ई बस ने फिर ढाया कानपुर में कहे अज्ञात कारणों से हुआ सड़क हादसा। इलेक्ट्रॉनिक बस से फिर हुआ दूसरा हादसा। टाट मिल चौराहे पर ई बस ने फिर मारी राहगीरों को टक्कर। बुरी तरह से 5 लोग हुए जख्मी। सभी को उपचार के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में प्रशासन ने कराया भर्ती। कानपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री के ऑफिस का हवाला देकर पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी। कानपुर के घाटमपुर तहसील में गड़ाथा में बनी गौशाला में मृत गाय को कुत्ते नोच रहे थे, जिसकी खबर चलाने पर प्रधानपति बौखला गए और अलग अलग नंबरों से प्रधान पुत्र पत्रकार को जान से मारने की धमकियां देने लगा। वहीं जब ये मामला तूल पकड़ा तो एक अज्ञात नंबर द्वारा अपने आप को कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के ऑफिस से बताकर धमकियां देने लगा। वहीं आपको बता दें, अभी तक प्रशासन हाथ में हाथ रखे बैठा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर से बिसवा में भरी हुंकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ चुनावी दौरा। सीतापुर की विधानसभा बिसवा से भरी हुंकार, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मल वर्मा को भारी मतों से जीतने की अपील भी की। सीतापुर से सिंह नरेश पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से आर्थिक जगत में परिवर्तन आ रहा है। एक साल में 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं सिर्फ 2022-23 में। एक नया भारत, एक उभरता हुआ भारत, एक नया उत्तर प्रदेश, एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश बन रहा है। बाइकों की भिड़ंत, घायलों को अज्ञात फोर व्हीलर ने रौंदा, दो की मौत। क्षेत्र के देवरी भारत गांव मोड़ के पास दो बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार रोड पर गिर गए, जिन्हें पीछे से आ रहे अज्ञात फोर व्हीलर ने वाहन रौंदता हुआ भाग निकला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का है। लखनऊ से निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 1 फरवरी को सुबह शौच के लिए गई किशोरी से दो युवकों ने जबरन किया बलात्कार। पीड़िता के मुताबिक युवकों का नाम रोहित और वरुण बताया जा रहा है। पीड़िता की हालत बहुत नाजुक, कानपुर देहात के CHC में चल रहा इलाज। कानपुर देहात से ओपी वर्मा की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर के 217 महाराजपुर विधानसभा से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय अवस्थी के अध्यक्षता में हुई कार्यकर्ता बैठक। प्रत्याशी अवधेश गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कानपुर से वीरू यादव की रिपोर्ट। राजनीति को राज ही राज उसमें किया जा रहा है, नीत को अलग कर दिया गया है, सिर्फ राज ही राज भोगा जा रहा है। अनित अन्याय अधर्म को समाप्त करने के लिए, समाज में अपनी पहचान बताने के लिए, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने हमें कुछ बिंदु बताए हैं। किसानों की समस्याएं आज जगह जगह ग्रामों में अच्छे विद्यालय नहीं हैं, औषधालय नहीं हैं, चिकित्सालय नहीं हैं, लेकिन सरकारी शराब का ठेका वहां पर खुला हुआ है और वहां गांव के महिलाएं उससे बड़ी बहुत प्रताड़ित हैं। पुरुष वर्ग शराब पी करके महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करना है कि अगर आप अनित अन्याय धर्म को खत्म करना चाहते हैं, नारी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो अपने वोट को एक ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो आपका वाकई में आपका सेवक हो, आपका हितैषी हो। एक चीज ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी, क्योंकि महाराजपुर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी ज्यादा बहुत है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है और प्रदेश सरकार इस पे कतई विचार नहीं करती है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और किसानों का जितना कि आज MSP के विषय में लोग बात कर रहे हैं कि उससे फायदा मिलेगा, उससे अगर नुकसान उसको अपने खेतों पे आवारा जानवर कर रहे हैं, इस विषय पर आप क्या करेंगे आगे? गौशाले खुले हुए हैं और उनको वहां भोजन नहीं मिल पाता है, या तो कसाईयों को दे दी जाती है गायें और या तो फिर आवारा छोड़ दी जाती है। वो खेत को खराब कर रही है। किसान बहुत त्रस्त है, किसान की समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है। किसान की समस्याएं सुनने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, नारी के सम्मान में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, युवाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में आ चुकी है। और मैं नारी शक्ति से, युवा शक्ति से ये कहना चाहता हूं कि अपने मत को समझो। आपके मत ऐसी जगह ना जाएं जहां की 5 साल आपका शोषण हो। सरकारें
समाज को प्रलोभन दे रही है कि साल में 3 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कह रहा लैपटॉप फ्री देंगे, कोई ये फ्री देंगे, कहां से देंगे? कोई अपनी खेती बेच के देगा? अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो युवाओं को रोजगार